सो वी कैन से इसका मीन्स हुआ वी विल कंटेन वी विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ठीक है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ए यूनियन भी यूनियन का मतलब क्या होता है यूनियन का मीन्स होता है कि दोनों के एलिमेंट्स मिला के तो ऑब्वियसली बी के ही आएंगे इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना और इजी हो जाएगा हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि लेट ए के जो एलिमेंट है वो हो गए हमारे वन एंड टू ओके नाउ टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी तो लेट्स एलिमेंट्स ऑफ बी बी आर वन टू एंड थ्री अब ए में हो गए बी में हो गए थ्री ओके नाउ अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी इट मींस इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कि एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में होगा क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी इट मींस जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे यूनियन का मींस होता है दोनों के मिलाकर जितने भी हैं वो सारे जब ए यूनियन बी हमने निकाला तो क्या मिलेगा ए के एलिमेंट्स वन एंड टू यूनियन बी के एलिमेंट्स वो क्या है वन टू एंड थ्री तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन लॉ हमारे एलिमेंट्स आ गए वन टू जो रिपीटेड होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं और जो नहीं होते वो भी लिख लिए जाते हैं यूनियन में तो इट मीनस हमारा आंसर क्या आया एलिमेंट्स आ गए यूनियन में वन टू थ्री और ये जो वन टू थ्री किसमें है ये बी में है सो हम कह सकते हैं इस बेस पे कि अगर इफ A एक सबसेट है बी का तो यूनियन बी विल यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था ए यूनियन बी की वैल्यू सो बी इज द आंसर थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर